अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नए वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तानी फौज की 40 FF रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद 67वीं लॉन्ग कोर्ट से फौज में कमीशन हुए थे, जबकि सन 2018 में रिटायर हुए। इस दौरान वो अहम ओहदों पर तैनात रहे, जिनमें बतौर ब्रिगेडियर वो 3 वज़राए आज़म के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इनमें शौकत अजीज, निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद सुमरो और बाद अज़ां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के पहले वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अमेरिका में पाकिस्तान के दिफाई अताशी जैसी अहम पोस्टिंग पर भी तैनात रहे हैं और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA के कमांडेंट रहे। सन 2014 में इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी, जिसके बाद नज़ीर भट्ट पहले GHQ में ही कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के सरबराह मुकर्रर हुए। इसके बाद वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर और बाद में कोर कमांडर पेशावर के तौर पर फोर्स से रिटायर हुए। नैब में इनकी तैनाती एक ऐसे वक्त में हुई है जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है और मुख्तलिफ सियासी हलके जहां खुद नैब को मतनाज़ा होने की बात कर रहे हैं, वहीं सियासी बुनियादों पर मुकदमात कायम करने का बयानिया भी आम है। इस हवाले से गुज़िश्ता माह रिटायर होने वाले चेयरमैन आफताब सुल्तान का नाम लिया जा रहा है। इनके मुस्ताफी होने की वजह नैब मुकदमात के हवाले से सियासी दबाव था। ये भी हकीकत है कि इनकी तैनाती मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद ने इस वक्त की है जब ये इक्तदार में आए हैं।